हेलो, गुड आफ्टरनून. दिस इज़ डॉक्टर कमलप्रीत फ्रॉम DAV कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़. एंड आई एम हेयर टू डिस्कस अनदर पेपर, अनदर मॉड्यूल विद यू फॉर द नेक्स्ट टुडे एंड टू मोर डेज. दैट्स टोटल 3 आवर्स और 3 डेज. नाउ आई हैव टेकन अप इंटरनेशनल रिलेशंस बिकॉज इट्स अ लिटल टफ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एज सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, स्पेशली इफ यू थिंक योर सेल्फ टू बी द फ्यूचर पॉलिसी प्लानर एंड टू अंडरस्टैंड वॉट्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन दीज करोना टाइम्स विद सो मेनी कंट्रीज इन अ प्रॉब्लम. बड़ी कंट्रीज को प्रॉब्लम हो गई है. पूरे कंट्री के, सारी कंट्रीज के जीने के जो मायने हैं वो ही बदली हो गए हैं, बदली हो रहे हैं. चाइना को कैसे टैकल करना है या नहीं करना है, व्हाट इज़ अमेरिका गोइंग टू डू अबाउट इट. वेल, फ्रॉम द पास्ट 1 month आई हैव बीन हियरिंग दैट मेनी कंट्रीज आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ चाइना, एंड द ऑब्वियस चॉइस वुड बी इंडिया बिकॉज वी शेयर अ लॉट ऑफ कॉमन थिंग्स. ऑफ कोर्स एक्सेप्ट द वायलेंट नेचर, वी पीपल बिलीव इन पंचशील एंड वी आर पीस लविंग बाय नेचर, स्पेशली बिकॉज द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी टॉक्ट अबाउट नॉन वायलेंस. And so besides that, China and India both have very hard working population, and we score on them on one account, that is we have more of English speaking population, which of course China is trying to cover up by teaching lakhs of children English. So that's where they would plan to beat us also. Since yesterday I've been hearing, I don't know how many of you have been hearing, I was very happy that many companies are going to come to India. But America, Trump says, well, America is an option, but sorry, India is an option, but there are going to be so many problems in shifting to India and so on. So that was a damper, थोड़ा सा उससे दुख हुआ. So what I'm trying to tell you is कि international relations ये वाला जो आपका paper है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. Now I have the index with me, the contents with me. In the first book we have 17 modules. So today I will cover the first three. And somebody, I didn't get the name, किसी ने जो regular classes attend करते थे DAV में, उन्होंने मुझे बोला है कि मैम आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट जरूर डिस्कस करें. आई विल डू दैट टुमारो बिकॉज ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड थ्योरीज बिफोर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. आई कैन नॉट टीच यू जेड विदाउट टीचिंग यू ABC, राइट. सो आप कल तक वेट करिए, दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टुमारो, राइट. नाउ यूनिट 1 इज रियलिस्ट एंड नॉन रियलिस्ट अप्रोचेस, राइट. इससे पहले एक और थ्योरी है जो आपके यहाँ मेंशन नहीं है, आइडलिस्ट, IDEALIST, आइडलिस्ट अप्रोच. आइडियल्स मीन्स आदर्श, राइट. तो एक आपकी अप्रोच है आइडलिस्ट, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है पर देनी चाहिए. द आइडलिस्ट बिलीव, जो आदर्शवादी है, द आइडलिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बींग इज नॉट वायलेंट बाई नेचर, ही इज पीसफुल बाई नेचर. वो शांति के लिए बहुत ज़्यादा शांति प्रिय स्वभाव का है. और वॉर इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, वॉर नहीं है रियलिटी. पीस, कोऑपरेशन, मॉरल वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके नैतिक मूल्य, आपका जो लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, किसी प्रकार की वॉर है, ये नेचुरल नहीं है. ये विभिन्न रीजंस करके वर्ल्ड में आया है, और इसको हटाने के लिए थोड़ी सी मतलब हमें वापस ह्यूमन नेचर को वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाना पड़ेगा. सो ये था आपका आइडलिस्ट जो आपके कोर्स में नहीं है, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द रेस्ट. सो नेक्स्ट वी हैव द रियलिस्ट, राइट. नाउ दिस इज दिस रियलिस्ट थ्योरी और रियलिस्ट अप्रोच
is associated with the name of मोरगेंथो, हैंस जे मोरगेंथो. हैंस जे मोरगेंथो ने इसका प्रचार किया है और ये बड़े क्लियर हैं, इनके सिक्स प्रिंसिपल्स हैं. और ये बड़े, ये सारे, नॉट ओनली मोरगेंथो बट देर आर मेनी अदर्स हु फेल दैट दैट वॉर इज नेचुरल, राइट, एंड ह्यूमन नेचर इज विकेड एंड एवरी थिंग इज फॉर पावर. अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इंडिविजुअल्स एज वेल एज स्टेट्स पूरा टाइम लगे रहते हैं, एंड ऑल दी स्टेट्स आर पावर हंग्री. द स्टेट्स आर पावर हंग्री. एंड नाउ आपका ये कोर्स कराने के लिए मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं, बिकॉज कभी भी ऐसे नहीं हुआ है कि एक दिन में इतने तीन तीन चार चार चैप्टर कराने पड़ रहे हैं. सो आई विल जस्ट लुक अप, आई हैव मेड नोट्स सो दैट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती रहूँ, राइट. सो रियलिस्ट थ्योरी सेज दैट स्टेट्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स आर पावर हंग्री एंड एवरी थिंग रिवॉल्व्स अराउंड कॉन्फ्लिक्ट. कि इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड, राइट, कि वर्ल्ड में जो छोटी से छोटी स्टेट्स है वो पावरफुल बनने की कोशिश करती है. इसी चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, जो सिक्योरिटी डिलेमा. नाउ लेट मी डिस्कस इट नाउ ओनली दैट अ स्टेट, इट्स नॉट ऑलवेज दैट अ स्टेट वॉन्ट्स टू गो टू वॉर. समटाइम्स अ स्टेट, स्टेट अगेन मीन्स अ कंट्री, राइट. राज्य को हम क्या बोलते हैं, हम इधर राज्य को किस लिए यूज कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए, राइट. सो आई लाइक टू टेल यू अगेन एंड अगेन सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन. डोंट थिंक अबाउट स्टेट एज पंजाब हरियाणा हिमाचल. हम स्टेट की किसके साथ के बारे में जब बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका, अफगानिस्तान एंड सो ऑन, राइट. नाउ अ स्टेट जस्ट माई ट्राई टू आर्म इट सेल्फ. वो थोड़ा सा अपने थोड़े वेपन्स खरीदेगी. कि एनी कंट्री, छोटी से छोटी कंट्री है, वो वेपन्स खरीदती है, 10,000 वेपन्स खरीदती है. अब उसके साथ जो स्टेट है जिसके साथ उसका कोई झगड़ा नहीं है, राइट, वेन दे सी दैट दिस स्टेट इज गोइंग टू अर्न टेन, इज गोइंग टू बाय 10,000 वेपन, और इट हैज बॉट 10,000 वेपन्स. अगर उसके पास 10,000 वेपन्स हैं, इट विल एंड अप बाइंग 10,500 या 500 और वो अपने आर्सेनल अपने स्टोर में ऐड करेगी. नाउ व्हेन दे हैव एडेड 500 मोर, दिस अदर स्टेट माइट ऐड 600 मोर और 100 मोर, राइट. सो दिस इज नोन एज द सिक्योरिटी डिलेमा. डिलेमा मीन्स प्रॉब्लम, मतलब सोचने की कंफ्यूजन है. सिक्योरिटी, इट्स अ कंफ्यूजन दैट आई एम arming myself only for my security, but the other country thinks that it is I am arming myself to attack upon them, right, and this starts off the arms race, right. Jo weapons ki race hai wo isse shuru ho jati hai kai baar. Of course there are bigger states like Russia, America, who actually for whom arms race is very very important. वो जान के उनका इतना पैसा लग रहा है सिर्फ arms manufacture करने के लिए, new patents करने के लिए. But there are other countries जो minerals खरीदती हैं just to for their own security. But it triggers off a arms race with its neighbors, neighboring countries, right? So this was the balance of power. भी कर लिए. नाउ यू हैव द रियलिस्ट थ्योरी एंड देन यू हैव द कंटेम्प्रेरी रियलिस्ट, राइट, विच इसका नाम एसोसिएटेड है विद केनेथ वॉल्ट्स, राइट. वन ऑफ द मेन एडवोकेट्स इज केनेथ वॉल्ट्स. इन्होंने बुक भी लिखी है एंड दे से डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन पावर. अगर वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट है, अगर वर्ल्ड में मतभेद है, इसकी जिम्मेवार स्टेट्स नहीं है बट all the structures of the world, right. Now this is very confusing, right. वो कहते हैं anarchy, you know the meaning of anarchy. Anarchy means when there is no order. जहाँ कोई order ना हो उसको हम anarchy कहते हैं, anarchy, right. Now they say कि international system, जो भी structures हैं, right, United Nations, League of Nations, जो भी, मतलब जो बड़ा structure है, वो ही गलत, उसकी फाउंडेशन है, उसकी नींव ही क्या है, गलत है. इट इज बेस्ड ऑन रॉन्ग फाउंडेशन. द स्ट्रक्चर्स आर रॉन्ग. यू डोंट टॉक अबाउट, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, यू डोंट टॉक अबाउट पीस बींग नेचुरल. यू से जैसे हम छोटे होते जब बड़े हुए थे, एक बड़ा फेवरेट ऐसे था हमको दिया जाता था, इन टाइम्स ऑफ पीस यू प्रिपेयर फॉर वॉर, राइट. इन टाइम्स ऑफ पीस यू प्रिपेयर फॉर वॉर.
तो अल्टीमेट एंड हमें क्या सिखाया जा रहा है पॉलिसी प्लानर्स को, दैट वॉर, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एंड दैट कैन बी डन ड्यूरिंग पीस टाइम. सो ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर रॉन्ग. देर इज एनार्की इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में अगर डिसऑर्डर है वो क्यों है? बिकॉज जो स्ट्रक्चर्स है वो, उसकी फाउंडेशन गलत है. वो कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट, इट इज बेस्ड ऑन ट्रेड वॉर्स, एंड दैट्स वाई यू हैव द स्ट्राइफ रिडन वर्ल्ड. कि जो वर्ल्ड है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मतभेद है, लड़ाइयाँ हैं, टेंशन हैं, टेररिज्म है, एंड दे से स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर्स, राइट? Why am I saying this? Because आगे जाके आपको बताऊंगी that there are some people who say, some political thinkers who say individuals, व्यक्ति बहुत जरूरी है, right? Now, in your book they have given three sub topics: national interest, national power, and national security. National security की बात मैंने कर ली आपको, that the first emphasis or first motive of the state is to secure its national interest, to secure its boundaries, to secure its borders, right? And for this, what does it need? National power, right? Now, both are means as well as an end, right? Interest को protect करने के लिए आपको powerful होना पड़ रहा है. जब आप powerful होते हो तो आपके interest और आपकी security protect होती है. Have you understood? It's a two-way process, right? When, if you have to protect your interest, you have to become powerful. The other way, only when you become powerful can you protect your national interest and your security. कि जब आपके पास शक्ति है, राष्ट्रीय शक्ति है, तभी आप अपने राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो. या इंटरेस्ट को, राष्ट्रीय हित को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या होना पड़ता है, राष्ट्रीय शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ती है. और वो आप कैसे बढ़ा सकते हो, हाउ इज योर नेशनल पावर इंक्रीज, इट्स वेरी इजी. आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम ऑन दिस बिकॉज देयर अदर कॉन्सेप्ट्स यू कैन बाय हैविंग एन एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन, मिलिट्री, साइकोलॉजिकली योर पीपल शुड बी सिक्योर, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, यू शुड, अच्छा मिलिट्री में इट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, सब कुछ आ जाता है. ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज हैं, पर टेक्नोलॉजी शुड बी देयर दैट यू कैन टेक देम आउट विद मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज. साइकोलॉजिकली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग दैट येस आई बिलोंग टू इंडिया एंड द कंट्री विल लुक आफ्टर मी वट एवर हैपन्स. सो द इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी वेरी गुड. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स, रेलवेज, ये सब आ जाता है, आपके ब्रिजेस, फ्लाई ओवर, सुपर हाईवेज. सो योर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी वेरी गुड. देन यू शुड बी एबल टू फाइट टेररिज्म. इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए. आपके पास फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? व्हेन यू एक्सपोर्ट मोर एंड इम्पोर्ट लेस. योर करेंसी शुड बी वेरी स्ट्रांग. सो नेशनल पावर बनाने के लिए आपके ये सब, हर चीज पे आपको खरा उतरना पड़ेगा. दैट ओनली व्हेन यू हैव एवरीथिंग. अ सिकली पॉपुलेशन इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी हेल्प. दे कैन नीदर फाइट, दे कैन प्रोड्यूस. एक बीमार पॉपुलेशन, लेजी पॉपुलेशन एक कंट्री की गोल नहीं है. ये एलिमेंट्स है आपके नेशनल पावर के. एंड वॉट आर योर नेशनल इंटरेस्ट? टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज एंड टू एडवांस एज अ नेशन, राइट? नाउ ये आपके तीन कॉन्सेप्ट्स हैं विच आई फील यू कैन डू योर सेल्फ. नाउ यू बी कम टू द नेक्स्ट पावर, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बैलेंस ऑफ पावर. इन द क्लास आई ऑलवेज से, छोटे होते आपने बैलेंस ऑफ पावर सीसॉ खेला होगा. दैट जो झूला होता है जिसमें आप एक तरफ बैठ जाते हो, ऐसे आपकी कोशिश क्या होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा नीचे, जैसे आप नीचे स्विंग को, झूला को टच करते हो, यू आर द विनर, देन द अदर पर्सन ट्राइज. वेल, दिस इज व्हाट हैपेंस बिटवीन इंटरनेशनल स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स, राइट? इंडिया सेज वी हैव बिकम न्यूक्लियर, राइट? पाकिस्तान सेज नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डेज मीन्स कुछ दिनों में, वी हैव ऑल्सो बिकम न्यूक्लियर. तो बैलेंस आ जाता है. देन इंडिया सेज वी हैव साइन थ्री ट्रीटीज विद अमेरिका और रशिया. एंड पाकिस्तान सेज वेल वी हैव साइन फोर, राइट? वी सेज सिक्स, राइट? फिर हम कहते हैं कि द चाइनीज प्रेजिडेंट, चाइना के रिलेशंस आर बेटर विद पाकिस्तान. तो हम कहते हैं कि चाइना, चाइनीज प्रेसिडेंट इज कमिंग टू मीट अस, इज कमिंग ऑन अ स्टेट विजिट टू इंडिया. उसी टाइम पाकिस्तान डैमेज कर, तो हमारी तरफ बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट हो जाता है. सो बैलेंस ऑफ पावर इज अ वेरी डायनेमिक कॉन्सेप्ट. ये नहीं कि वंस यू बिकम अ पावर यू से आई एम अ पावर फॉर ऑल टाइम्स. एवरी डे आप और मैं जब काम कर रहे हैं, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. जब हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, when we are doing our work honestly, we are contributing to the country. But there are some
फॉरेन डिप्लोमैट्स, राइट, पॉलिसी प्लानर्स, हर व्यक्ति अपने अपने जगह पे बैठ के किसी तरह नेशनल पावर को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, काम कर रहा है. दैट इवन यू एंड आई आर स्लीपिंग एंड वी गेट अप इन द मॉर्निंग एंड वी से ओ अमेरिका एंड इंडिया आर साइनिंग एन एग्रीमेंट. ओ इट्स ओके, इट्स जस्ट अ 1 मिनट सिग्नेचर फॉर द हेड्स ऑफ द स्टेट्स. बट उस एग्रीमेंट के पीछे कई महीनों की मेहनत है. देर इज अ मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क वेयर आर फॉरेन डिप्लोमैट्स, आर मिनिस्टर्स हैव वर्क डे इन एंड डे आउट, चेकिंग ईच वर्ड दैट इफ देर इज वन वर्ड विच कैन गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री. फिर वो दूसरी कंट्री को पसंद नहीं आया, दूसरे स्टेट को पसंद नहीं आया, फिर दे पुट देयर इफ्स एंड बट्स. फिर इंडिया वर्क्स ऑन इट, द अदर कंट्री वर्क्स ऑन इट दैट वी डोंट एग्री टू दीज एग्रीमेंट्स, इससे हमारी प्रभुसत्ता खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, दैट देर बी अ डेंट इन अ सोवरेनिटी. द प्रोसेस, सो इट्स नॉट अ 1 मिनट सिग्नेचर्स बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अमेरिका और एनी अदर कंट्री एंड शेकिंग ऑफ हैंड्स एंड क्लिकिंग ऑफ फोटोग्राफ्स. मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क हैव गॉन बिहाइंड एनी एनी एग्रीमेंट. इट माइट बी द पंचशील, इट माइट बी लाहौर बस यात्रा. सो बैलेंस, बिकॉज हर एग्रीमेंट के साथ आप चाहते हो बैलेंस ऑफ पावर शुड बी टिल्टेड इन योर फेवर, राइट. Now I just gave you the example of India and Pakistan. Right now there is one word in your book, deterrence. Deterrence means दूर, मेरे से दूर ही रहो भाई, right? Deterrence means to stop, रोकना. Now India and Pakistan both became nuclear powers. पहले India बना, फिर Pakistan, right? Now since we both become nuclear power, there are less chances of us going on a full scale war with each other. हाँ, थोड़े बहुत चाइना के साथ भी अभी कल परसों से प्रॉब्लम चल रही है, बट नाउ इवन विद चाइना देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ गोइंग फॉर अ वॉर. वाई? बिकॉज इट नोज इंडिया इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर, राइट. अगेन इन माई क्लास आई गिव अ सिंपल एग्जाम्पल. जो फाइनल ईयर का बच्चा है, वी हैव दिस इन फाइनल ईयर, थोड़ा बहुत ये जो आपकी बैलेंस ऑफ पावर है ये हमारे फाइनल ईयर के सिलेबस में. नाउ आई टीच इट टू फाइनल ईयर एंड आई से इफ अ जूनियर इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसको बोलोगे भाई ये इधर आ भाई, एंड ही विल लिसन टू यू. बी ए फाइनल ब्रैगिंग तो ऑफकोर्स अब बंद हो गई है, बट देन चलो थोड़ा सा दिस हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दी क्लासेस. एंड आई सेड इवन इफ यू से समथिंग टू योर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, वो मान ले होगा हाँ जी ठीक है जी, एंड ही विल गो हिज वे और हर वे. But if you say that, but will you say the same thing to your classmate, to a BA final student? They say no. Why? Because they know balance of power is like this. With the junior classes, it's like this, right? Balance of power, आपके हक में final year and second year or first year is here. या आप अपने घर में देख लो, with your siblings, with your older brother and sister, आप पंगा नहीं लोगे, you will behave. Why? Because the balance of power is tilted in the favor of the older sibling, भाई या बहन के, right? So now we come to the what I was telling you is deterrence, right? That when BA final दो बच्चे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ गलत नहीं बोलेंगे. Why? Because they both are equally placed, right? Strength में, class में, everything they are equally placed. So वो क्योंकि वो equal उनकी शक्ति है, because they possess the same seniority, they will not get into a war with each other. Of course, individual level पे war नहीं होता है, I mean झगड़ा जिसको हम कहते हैं, छोटा मोटा एक दूसरे से पंगा नहीं लेंगे. They will not go into a conflict with each other. Why? Because they are equally placed. So that is known as deterrence. Deterrence means to deter, to stop. That when two states are nuclear, or that is why they say that jo all these states becoming, jo bhi India, Pakistan, jo bhi nuclear power country hai, there is a mad race which will not lead to destruction. And what is that mad ka matlab kya? MAD, mutually assured destruction. Both are nuclear. Both will not get into a war with each other because guaranteed है, assured है, guarantee है that दोनों की mutually means दोनों की पूरी तरह destruction हो जाएगी,
right? It is not going to be a case of Hiroshima Nagasaki, where only one country is a victim, only one state is a victim. So this is what, that is the policy of deterrence, ki nuclear weapons aane se war ke chances kam ho gaye hain. Why? Because dono taraf equally hum placed hai, right? Now, aapke book mein kaafi confusing hai, liberal approach and neoliberals, right? Liberal approach and neoliberals. Now, if you have a copy and pencil and you can write down, or you can, it is recorded, this topic is recorded, you can note it down later. Jo liberal approach hai, aur wo purani approach hai, neoliberals, neo means N-E-O, new, right? Now, in mein basic farak kya hai, jo I'll go slowly so that later you want to copy it, you can copy it also. Jo liberal approach hai, it is optimistic. Optimistic means they are positive. Aajkal positive hona bada dangerous hai because of corona, but they are optimistic about human nature, right? Ye human nature states ke baare bahut optimistic hai ki things are going to be fine. Aur ye kya kehte hai, states, pehle main liberal approach karungi, states are the basic unit. States sab humne jo padhai karni hai, jo sochna vicharna hai, wo kiske mutabik hai? States ko, matlab countries ko leke apni theories banani hai, apne policies banane hai. And they say along with that, jo individual plays a minor role, right? And they say the interests of the state are self-regarding as well as other-regarding, right? Self-regarding means, जैसे जे एस मिल वगैरह ने सेल्फ रिगार्डिंग हैप्पीनेस एंड अदर रिगार्डिंग हैप्पीनेस दिया था, उसी को इन्होंने आगे लेके गए हैं. दैट स्टेट्स आर सेल्फ रिगार्डिंग एज वेल एज अदर रिगार्डिंग. यू टॉक अबाउट योर ओन इंटरेस्ट ऑल्सो, बट आप जब अपने इंटरेस्ट की बात करते हो, वेन यू टॉक अबाउट योर ओन इंटरेस्ट, यू रिमेंबर दैट इफ यू ट्राई वाइल प्रोटेक्टिंग योर इंटरेस्ट, जैसे हिटलर का एग्जाम्पल ले लो कि जर्मनी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते करते दे intervened or interfered or trespassed into the affairs of the other countries. So other regarding. So you talk about yourself, but you also take care of the other nations, right? And they say that states as well as individuals are shaped by domestic factors as well as international factors. That agar trade ki baat ho rahi hai, India had to open up the world our economy in 1991 because of the leadership of Narasimha Rao and Manmohan Singh. हमने पहले क्यों नहीं खोला? Because we wanted to protect home industries. बाद में हमें क्यों खोलना पड़ा? We had our domestic reasons. बाद में क्यों economy खोलनी पड़ी? Why? Because we are living in an age of transnationalism, multinational corporations. So हमें international factors करके अपनी economy को खोलना पड़ा. So states as well as individuals are influenced by other regarding activities and self regarding activities and domestic and international conditions. And they say that only mutual interest can sustain international system, that only when our interest match, give and take, tabhi hum kya kar sakte hain, international system ko sustain kar sakte hain. Now jo neoliberals hai, they say individual is the main factor, basic unit. They are very pessimistic about states. ये पूरे world order के बारे बड़ा ही मतलब pessimistic है, बड़ा इनका negative opinion है. And they say that they should be free trade or open markets. And they believe that Western democracy, Western ideals, जो West मतलब America, UK के जो आदर्श हैं, वो ultimate है, उन्हीं को पूरे world को follow करना चाहिए. And they believe in United States of America की जो एक theory है, या उनका नजरिया है, enlargement of the communities, that states नहीं, we should be communities. उन्होंने ये क्यों फैलाया? Because they wanted that उनके multinational corporations should interfere or should find a place or should find a foothold in every country, right? And they say that अब आप आजकल IMF, International Monetary Fund, World Bank, all these are under a lot of criticism, right? That काफी criticism चल रही है पहले से भी, that इनकी जो भी policy होती है, it is never in favor of developing countries, right? So they, on the other hand, what do they say? That all these institutions were, financial institutions were created after the Second World War. They have survived, so we have to go according to them. Patent वगैरह सारा हमें उनके मुताबिक चलना पड़ेगा. Now this is something very interesting. आपकी बुक में दिया हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर मॉडल्स प्रोजेक्ट, वॉम्प,
WOMP, WOMP, World Order Models Project, right? Which was formed in 1968. पर इसका नाम उन्होंने लिख दिया है वॉम्पर्स, ERS, बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में नहीं है, तो वॉम्पर्स बड़ा नेगेटिव सा हो जाता है. दे से दैट टू एलिमिनेट इंटर स्टेट सिस्टम, जो स्टेट्स के आपस में जो प्रॉब्लम्स चलती है उसको हमें ख़त्म करने के लिए हमें और अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे. वील हैव टू फाइंड डिफरेंट अल्टरनेटिव्स सो दैट दी टेंशंस बिटवीन इंटर स्टेट, दैट इंडिया इज नॉट ओपनिंग इट्स बॉर्डर्स फॉर अदर कंट्रीज, फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इसके साथ देयर इज अ लॉट ऑफ इलविल, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. सो वी शुड हैव अ ग्लोबल गवर्नमेंट, राइट? एंड ये ग्लोबल गवर्नमेंट करते करते दे हैव टारगेटेड एंड दे हैव बीन वेरी वेरी डेट्रीमेंटल to the vulnerable communities and people. Who are the vulnerable people and communities? The tribes, jo communities local hain, jo environment friendly hain, jo peaceful hain, unke liye this WOMPers has become a very negative connotation. ये बड़ा ही एक negative है, because they believe in global government. मतलब अमेरिका से बैठ के छत्तीसगढ़ के गाँव में क्या होगा, that will be decided by America and Washington or London or somebody else, right? So that is why it is called WOMPers. And then we have a very interesting theory by David Mitrani, functionalism. थोड़ा सा जो आपने कल बोला है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. दैट इज वाई फर्स्ट आई हैव टू डू फंक्शनलिज्म, देन आई विल डिस्कस मोर विद यू. नाउ दे से अगेन इट इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया. दे से दैट और डेवलपिंग कंट्रीज, दे से दैट देर इज ग्रेटर इंडिपेंडेंस इफ देर इज ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसनेशनल टाइज between countries, it could lead to peace. That agar trans, now you have to understand the word transnational. Transnational means your multinational corporations, right? That jab inke aapas pe ye inka growth hoga, right? One multinational corporation functioning in America will function in India, Pakistan, Bangladesh, some African countries. जब वो इतनी जगह काम करेगा तो इतनी governments के, because दो multinational corporations have to talk to various governments, so there'll be no conflict between so many governments, right? And this will lead to peace. And cooperation should be, and this is very interesting. David Mitrani says, cooperation should be arranged by technical experts and not politicians. That politicians should not decide. Technical experts means somebody good in economy, somebody expert on social media, jinko facts and figures pata hai, unko aapko aage karke, they should decide the cooperation, the ties between different countries. And they say it's a very operative philosophy in which sovereign states are given a back seat, right? जैसे हम कार चलाते हैं तो पीछे पैसेंजर सीट में बिठा देते हैं किसी को, who is not very, very important. Yeah, of course, जब आप VIP हो तो आप पीछे बैठते हो, but they say that back seat में आप किसको बिठा दो, जैसे abroad you make children sit on the back seat, right? So children of course are very important, but they, in case of emergency, they cannot help you, etc. So ye kahawat hai English mein, tab maine use kar diya. They say that sovereign state should take a back seat, and who should be there? The technical experts, the multinational corporations. And this has been criticized ki state ke boundaries are, state is a very strong organization, and we cannot have the state take a back seat, right? And they have used the word non-functional sectors, which are called the functional sectors. Ki actually, jo aapke non-functional, non-political sectors hain, wahi actual sare functions karte hain. And one thing which you should understand, spillover effect, right? Inhone ek aur cheez baat ki hai. Spillover effect, right? That aap glass mein doodh daal le, right? If you put milk in the glass and इट स्पिल्स, अगर वो बाहर निकलने लग जाता है तो टेबल गंदा हो जाता है. मतलब सिर्फ दूध का नुकसान नहीं है, जो सफाई करनी पड़ती है वो अलग हो जाती है. सो स्पिल ओवर, नाउ दे हैव यूज्ड इट इन सम अदर वे, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू द मीनिंग ऑफ स्पिल ओवर. स्पिल ओवर इफेक्ट मीन्स दे से दैट
वेन देर इज कोऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल इन कल्चरल फील्ड कि इंडिया के डांसर्स जाएंगे फेस्टिवल होगा पाकिस्तान में और या क्रिकेट मैच होगा इंडिया और इंडियन टीम विल गो एंड प्ले इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विल प्ले इन इंडिया दैट क्रिकेट मैच के साथ लोग बन जाएंगे राइट दैट दिल इट विल लीड टू मोर ट्रेड इट विल लीड टू मोर कोऑपरेशन इन कल्चर पोलिटिकली देन टेररिज्म खत्म हो जाएगा देल बी पीस मार्चेज देल बी कैंडल मार्चेज एट द बॉर्डर when people will start meeting each other the politician when the people will not will meet each other they will not want a war then politicians भी जब इलेक्शन में ये मुद्दा लेके जाएंगे दैट इंडिया को हम खत्म कर देंगे तो द लीडर्स विल द पीपल विल से नो वी आर नॉट वोटिंग फॉर यू बिकॉज वी आर फ्रेंड्स विद इंडिया सो Because in Pakistan, the main agenda is always that let's go to war, we have to finish off India, we have to take back Kashmir, etc., etc. So, spillover effect hota hai when there's cooperation in one field, which will lead to benefits in the other related fields, right? It can start from anywhere. It can start from economy, it can start from culture, it can start from cricket match, it can start from dance drama, your arts. Right and so on, right? And they believe in creating a new world order, a new world order based on trade, cooperation, harmony, and so on, right? And अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है, that is neo functionalism, or it is also known as the integration. They believe that you can create new states through integration of existing states, right? इसको समझने के लिए आप प्लीज टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूरोपियन यूनियन दैट यू हैव स्टेट्स दे हैव कम टुगेदर नाउ दे हैव वन करेंसी वन बॉर्डर्स एंड दे आर एमिंग फॉर लॉट ऑफ थिंग्स सो जब आप न्यू फंक्शनलिज्म या इंटेग्रेशन की बात करें दिस थ्योरी यू टॉक अबाउट जस्ट कीप यूरोपियन यूनियन इन माइंड राइट दैट 27 कंट्रीज हैव कम टुगेदर कई चीज़ें उनके भी रहती हैं अचीव करने को दे आर मेनी थिंग्स विच दे स्टिल हैव टू अचीव बट देर आर मेनी थिंग्स विच दे हैव अचीव्ड वन ऑफ देम बींग कॉमन करेंसी एंड अ कॉमन वीजा राइट विच इज गोइंग टू हेल्प देयर इकॉनमी इकॉनमी ऑफ ऑल दी कंट्रीज राइट एंड दी ओपोनेंट ऑफ दिस ओपोनेंट जो इस न्यू फंक्शनलिज्म के खिलाफ है ही इज अर्नेस्ट हास राइट ई आर एन ए एन टी हास एच ए एस एच डबल ए एस अर्नेस्ट हास राइट नाउ we had talked the other day about theory of communication by Carl Dash, right? It says now theory of communication says इस ये थ्योरी ये संचार की आपकी जो नीति इन्होंने दी है कार्ल डैश ने उन्होंने कहा दैट जब बहुत टाइज होंगे देर विल बी इंक्रीजिंग टाइज बिटवीन सोसाइटीज राइट ट्रांसनेशनल टाइज अगेन द सेम थिंग जब स्टेट्स के बीच में नहीं जब लोगों के बीच में जो अलग अलग राज्य के लोग हैं जब उनके बीच में रिलेशंस बेहतर होंगे कोऑपरेशन होगा इट विल लीड टू एडवांटेजेस ऑफ दी स्टेट्स ऑल्सो देर विल बी मोर कोऑपरेशन राइट एंड ही टॉक्स अबाउट मेकिंग सिक्योर कम्युनिटीज सिक्योर कम्युनिटीज मीन्स दो तरह की कम्युनिटीज हैं अमेलगमेटेड एंड प्लूरलिस्ट अमेलगमेटेड मीन्स मिक्सचर और प्लूरलिस्ट मीन्स बहुलवाद दैट ऐसी सोसाइटी जहाँ लोग का आदान प्रदान है आपस में वेयर देर इज गिव एंड टेक वेयर पीपल कैन मूव फ्रीली वेन दे आर टाइज बिटवीन द पीपल देन देर बी गुड टाइज बिटवीन द स्टेट्स ऑल्सो एंड ही डजन टॉक अबाउट मेकिंग सिक्योर स्टेट्स ही टॉक्स अबाउट मेकिंग सिक्योर कम्युनिटीज राइट कि हम ये जो राज्यों में बटे हुए ये बात नहीं हमने कम्युनिटी के मुताबिक रहना है एंड दे से दैट अगर हम ये थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन या फंक्शनलिस्ट थ्योरी If we implement it, then we don't have to go, and no state will have to go for a large scale war. हम बातचीत से अपने सारे झगड़े निपटा लेंगे, right? Now, इस अभी तक जो मैंने किया है, उसका एक sum up ये है, that there are two the political scientists are divided into two parts, realists and liberals. Realists believe, realist real word से believe that war is the ultimate authority, war लड़ाई ultimate goal है, and liberals believe in cooperation, right? Now,
I go on to your unit 2, which talks about a new theory given by Robert Cohen and Joseph Nye. R-O-B-E-R-T, Robert Cohen, K-E-O-H-A-N-E, and Joseph Nye, J-O-S-E-P-H, N-Y-E. Proper nouns, आप कैसे भी इसको pronounce कर सकते हो. And they say that they have given the theory in 1970s of complex interdependence. Complex, remember, जब भी मैं liberals की बात कर रही हूँ, what do you have to keep in mind? They talk about cooperation between people, right? So all the theories are cooperation. They're talking about cooperation. Again, they say there should be minimum use of force, and they give a lot of importance to transnational actors. Who are transnational actors? Your Red Cross, your multinational corporations, your Greenpeace movement, your Greta Thunberg, itne log, right? Then you have the topic of Republican liberalism. रिपब्लिक का मतलब आपको पता ही है, गणतंत्र, राइट. लिबरलिज्म मीन्स उदारवाद, राइट. नाउ व्हाट डू द रिपब्लिकन लिबरलिज्म टॉक अबाउट? दे आर वेरी, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दे टॉक. अब रिपब्लिकन कहाँ होगा? जहाँ लोकतंत्र होगा. गणतंत्र कहाँ होगा? जहाँ आपके पास लोकतंत्र होगा. वेयर डू हैव अ रिपब्लिक? व्हाट डू यू कॉल अ रिपब्लिक? वेयर यू हैव डेमोक्रेसी. सो दे हैव इमेंस फेथ इन डेमोक्रेसीज. दे से डेमोक्रेसीज डोंट गो टू वॉर क्विकली. जो लोकतंत्र हैं वो जल्दी जल्दी वॉर, लड़ाई में नहीं कूदते. वो पहले अपनी सारी प्रॉब्लम्स बातचीत से और शांतिपूर्वक मेथड से सॉल्व करते हैं. या इट्स, आई नो इट्स नॉट ट्रू. डेमोक्रेसीज हैव गॉन टू वॉर. अमेरिका ने रेड इंडियंस को मार मार के, जंगल्स काट के अपने आप को बसाए. यस, बट दे से मोर और लेस डेमोक्रेसी take a long time to go to war. That is why Hitler, what does he call parliaments? Talking shops, right? Ki baatcheet karke ghar chal jate ho, hota to kuch bhi nahi hai. That's why he did away with the parliament. Now, he says, Soren Sen, ek political scientist hai, who says that he's very happy with the increase of democracies in the world. And he says it has brightened up the world. कि बहुत सारी countries हैं जो तानाशाही form of government को छोड़ के लोकतंत्र की तरफ आई हैं, और ये अच्छा signal है एक peaceful world बनाने के लिए, right? Now there is another thinker, Michael Doyle, who says that democracies are successful because of three reasons. First, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ एवरी कॉन्फ्लिक्ट, कि जो भी लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको पीसफुली हम सॉल्व, लोकतंत्र सॉल्व कर देती है. दे आर सॉल्व पीसफुली बाय द गवर्नमेंट्स, बाय द डेमोक्रेसीज. दूसरा, डेमोक्रेसीज हैव कॉमन मॉरल वैल्यूज. जितनी भी लोकतंत्र हैं उनकी कुछ नैतिक मूल्य वो सेम है. वो एंड वॉट आर दोज? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, भाईचारा. ये आपके कॉमन आपके वैल्यूज़ हैं, जिनके करके डेमोक्रेसीज एक दूसरे से शांतिप्रिय तरीके से बातचीत करके झगड़े सुलझाती है. एंड दे बिलीव दैट दिस इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट डेमोक्रेसीज लीड्स टू अ पीसफुल वर्ल्ड. कि जितना कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगी, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना हम वॉर पे नहीं जाएंगे, ठीक है. बट अगेन, कोरोना के साथ अब आत्मनिर्भर की निर्भरता की बात हो रही है. लिविंग इन चेंजिंग वर्ल्ड्स. नाउ देयर इज अनदर थिंकर, कांट, KANT, हु सेड दैट इसी थ्योरी को आगे लेते हुए, कि वी शुड बिल्ड पैसिफिक यूनियन, राइट. नाउ पैसिफिक यूनियन का ये मतलब नहीं है कि कोई संघ. ही सेज यूनियन, बाय यूनियन आई मीन जोन ऑफ पीस. कि ये जो पीस है, जो जोन, पहले जोन, आजकल हम काफ़ी वर्ड सुन रहे हैं, ये कंटेनमेंट जोन एंड ऑल. सो जोन होता है एक एरिया विच इज़ डीमार्केटेड बाय सम बाउंड्री. सो ही सेज दिस बाउंड्री शुड बी एक्सपेंडेड, राइट. इट शुड, दैट दिस शुड एक्सपैंड. ये जो जोन ऑफ पीस है, इट शुड बी एक्सपेंडेड. एंड ही यूज दिस वर्ड, ही कॉइंड दिस वर्ड, द स्पिरिट ऑफ कॉमर्स. दैट अगेन, दैट ओनली वेन यू हैव ट्रेड अमंग countries, among states, can you have a peaceful world. Now, for the uninitiated, जिनको ये बात पता नहीं है, let me just tell you. Now, आप कार का example ले लें, right? When I'm talking about, क्या नहीं पता आपको, अगर आपको नहीं पता है, that how can companies maintain peace in 4 or 5 countries, right?
Now, what do the multinational corporations do? They go जहाँ भी उनको चीप लेबर, चीप रिसोर्स, वेर एवर दे गेट चीप लेबर, चीप रिसोर्स, चीप मटीरियल, दे पिक इट अप फ्रॉम देयर, राइट? नाउ टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कार, राइट? जो मे बी द स्टेयरिंग व्हील इज बींग मैन्युफैक्चर्ड इन वियतनाम, राइट? देर सम पार्ट्स विच आर बींग मैन्युफैक्चर्ड इन 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 सम यूरोपियन कंट्री, राइट? स्पेन, राइट? उसको असेंबल किया जा रहा है जर्मनी में, उसकी मार्केटिंग हो रही है इंडिया से, राइट? एंड उसका को जो टायर्स है दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, राइट? नाउ हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन वन मेकिंग वन कार? फाइव. दे हैव टू, बिकॉज प्रॉफिट्स इंक्रीज ओनली व्हेन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन, राइट? जब आपका कॉस्ट कम होगा तभी बिजनेसमैन के प्रॉफिट ज्यादा होंगे. एंड वॉट इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन? दे एम फॉर प्रॉफिट, राइट? सो व्हेन व्हेन सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लेके आना है. सो दैट इज वाई देर आर सो मेनी कॉल सेंटर्स विच आर डूइंग वेरी वेल इन इंडिया. वाई? वहाँ आपने, इफ यू वॉन्ट टू गेट एनीबडी इन अमेरिका टू वर्क फॉर यू फॉर 1 आवर, यू हैव टू पे मे बी, आई डोंट नो, मे बी $16-$17, $20, 20 into per आवर, राइट? 20 into 70, 1400 रुपीज, राइट? फॉर 1 आवर. यू कैन इमेजिन 8 आवर्स कितना हो जाएगा. इंडिया में यू आर पेइंग 10,000 फॉर टू वन पर्सन फॉर द होल मंथ. वहां एक दिन में आपका 4-5 हज़ार हो जाएगा. दैट मीन्स इन 2 डेज यू विल बी पेइंग वॉट यू कैन पे टू अ इंडियन फॉर अ होल मंथ. सो लुक, दैट इज वाई सो मेनी कॉल सेंटर्स वे शिफ्टेड टू इंडिया, राइट? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, दैट अ बिजनेसमैन, इट माइट बी अ स्मॉल शॉपकीपर, इट माइट बी अ बिग बिजनेसमैन, वेयर डू दे गो? दे गो बिहाइंड प्रॉफिट, राइट? नाउ आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल दैट मैन्युफैक्चरिंग इज बींग डन इन 5 कंट्रीज. अब कहीं पे सिविल वॉर या कहीं पे गवर्नमेंट गिर गई, देर इज अपहीवल इन एनी वन कंट्री, स्टेयरिंग व्हील वाली जगह पे अगर वियतनाम में सिविल वॉर हो गया, यू नो द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर? व्हेन पॉपुलेशन ऑफ द सेम कंट्री फाइट्स विद ईच अदर, राइट? अगर एक सिविल वॉर हो गया वियतनाम में, स्टेयरिंग व्हील बनने बंद हो गए, बाकी सारा प्रोडक्शन प्रोसेस विल कम टू अ हॉल्ट, राइट? ऑल दी अदर 4 कंट्रीज विल बी अफेक्टेड. चाइना में कोरोना आ गया, टायर्स बनने बंद हो जाएंगे, द कार कैनॉट बी असेंबल्ड, इट विल अफेक्ट जर्मनी, इट विल अफेक्ट द मार्केटिंग इन इंडिया, इधर भी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी. सो दिस इज वाई द ट्रांसनेशनल एक्टर्स, जो आपके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इफ दे, ये जो पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं, इफ दे स्प्रेड आउट इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंस, राइट, यू विल हैव लेस ऑफ वॉर्स एंड थिंग्स विल बी सेटल्ड पीसफुली, राइट? नाउ अमंग द न्यू रेडिकल थ्योरी यू हैव अंडर डिवेलपमेंट थ्योरी. अंडर डिवेलपमेंट की आपकी थ्योरी है विच सेज, और इसका सोर्स दो तरफ से आया है. एक तो मार्क्सिस्ट वगैरह ने कहा है, जो हम अगले चैप्टर में, टू वील डू इट टुमारो. एंड दूसरा, लैटिन अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, यूरोपियन कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका, एस्ला कहते हैं, जिसका हेड एक थिंकर थे, प्रेबिश, जिन्होंने प्रैक्टिकली ये समझाया दैट द पॉलिसीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट कंड्यूसिव टू द इकोनॉमीज ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, राइट? अंडर डेवलप्ड में हम कौन आता है? एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. सो दे प्रूव्ड विद कंक्रीट एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर बुक दैट इफ यू थिंक दैट यूएसए, दीज कंट्रीज, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जो भी ये पॉलिसीज बनाते हैं, इफ दे आर गुड फॉर दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यू आर हॉरिबली रॉन्ग, राइट? दैट जो ये प्लान्स बनाते हैं दे आर नॉट गुड फॉर दी अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज, राइट? नाउ उसमें उन्होंने, यू हैव एंड्रे गंडो फ्रैंक, ए जी फ्रैंक, ऑल दीज पीपल, इन्होंने क्या बोला है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड डिवेल्प्ड एंड अंडर डिवेल्प एंड LDCs, दैट इज लीस्ट डिवेल्प कंट्रीज, दे टॉक अबाउट कंट्रीज एट द सेंटर एंड कंट्रीज एट द पेरिफरी, PERIPHEURY, पेरिफरी मीन्स एजेस, राइट? वॉट डू दे से दैट जो डिवेल्प्ड कंट्रीज हैं दे आर एट द सेंटर, UK, USA, फ्रांस, जर्मनी, राइट? where the cost, where the things are being produced, right? And periphery pe you have
इंडिया अमेरिका, अब जो बिल्कुल एजेस हैं उसमें यू हैव दी अफ्रीकन, पुअर अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, हम जरा सेंटर और पेरिफ्री के बीच में आ जाते हैं, वी आर, पर हम सबकी एम्फेसिस क्या है, वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर, वी शुड मूव टूवर्ड्स द सेंटर, राइट? सो दे से द वर्ल्ड इकोनमी इज पोलराइज इन टू द सेंटर एंड पेरिफ्री. सेंटर जो है वो बड़ा डाइवर्स है, वो मतलब उसमें अलग अलग कंट्रीज हैं, यूके, इट, जापान भी हो सकता है, यू नो यू हैव सम डेवलप, चाइना भी है, बट दे आर स्पेशलाइज, सॉरी दे आर डाइवर्सिफाइड, राइट? दे आर डाइवर्सिफाइड मीन्स द वे आई टोल्ड यू, जापान, चाइना एंड ऑल. पेरिफ्री में यू हैव हेट्रोजीनियस कंट्रीज, यू हैव सम कंट्रीज फ्रॉम, यू हैव मेक्सिको ऑल्सो इन द पेरिफ्री, मतलब अमेरिका के नेबर को हम वहाँ कर देते हैं. देन यू हैव सम कंट्रीज फ्रॉम लैटिन अमेरिका, सम फ्रॉम अफ्रीका, सम फ्रॉम एशिया, राइट? एंड दे आर स्पेशलाइज्ड इन सर्टन थिंग्स, हल्दी बनाने में फॉर एग्जाम्पल, राइट? स्पाइसेस, कॉटन क्लॉथ, राइट? कि थोड़ी चीज़ें बनाते हैं बट बड़ी स्पेशलाइज, वैसा कोई और बना ही नहीं सकता, राइट? सो वॉट डू दीज पीपल से दैट इस प्रोडक्शन में व्हेन द सेंटर टेल्स द पेरिफेरल स्टेट्स व्हाट टू प्रोड्यूस एंड नॉट व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब जो सारा प्लानिंग प्रोसेस है, इकोनॉमिक ट्रेड है, दैट इज प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ मैनर दैट द सेंटर विल बेनिफिट, कि कौन डेवलप करेगा, कौन डेवलप, कौन बेनिफिट होगा, किसको होगा, सेंटर पे कंट्री को. एंड दे हैव कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कोटेशन, अ वेरी इंटरेस्टिंग डेडिकेशन, दैट अ सैटेलाइट स्टेट डिवेल्प्स ओनली वेन द लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द कंट्री एट द पेरिफ्री इज द वीकेस्ट. मतलब जितना आप अमेरिका, यूके, फ्रांस, स्पेन से दूर रहेंगे उतनी आपकी इकॉनमी क्या करेगी, ज़्यादा डिवेल्प करेगी, राइट? लेट मी चेक आउट द टाइम, हाउ मच टाइम आई हैव विद यू. ओके, इट्स 1:47. आगे की तो जो दो पॉलिसीज हैं, न्यू रेडिकल एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, दैट वी विल डू टुमारो, राइट? सो दैट इतनी थ्योरीज करने में आप थक जाएंगे. सो आई हैव अप्रॉक्सीमेटली 47-50, अबाउट 13 मिनट्स विद यू. सो इसमें आपके जो फेमिनिस्ट अप्रोच हैं, आई थिंक यू कैन डू दैट. इन्वायरमेंटल अप्रोच इज़ वेरी जनरल, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ MA, सो यू शुड बी एबल टू डू इट. एंड जो मैं कराना चाहूँ, रीजनल ग्रुपिंग्स, ASEAN, SAARC, अगर टाइम होगा हम कर लेंगे. नाउ वॉट वी शुड डू टूडे इज, विच इज़ अ लिटल डिफिकल्ट, कोल्ड वॉर एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर, राइट? आई होप टू डू इट. ये बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आई होप वी विल बी एबल टू डू इट. नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद डेट्स. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945 विद द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, राइट? जर्मनी वॉज डिफीटेड एंड एक टीम में एलाइड, देवे टू टीम्स जिसको हम कह सकते हैं, एलाइड एंड एक्सेस. एक्सेस में आपके थे जापान एंड जर्मनी, जो जिन्होंने वॉर शुरू किया, ऑफेंडर्स, एंड डिफेंड वर्ल्ड को किया USA, UK, France, all these countries, right? Of course, India was a colony, so we fought for United Kingdom, right? Now, उससे पहले की बात है, that till 1917, जो अभी Russia था, it was Russia, right? It was ruled by a king, Tsar, जो मैंने पहले आपको बताया. 1917 में the Tsar, the king of USSR, was overthrown, और उसकी जगह कौन आ गया, कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाय लेनिन. लेनिन, स्टालिन, आपने नाम सुने होंगे, राइट? नाउ 1917 में रशिया बिकेम USSR एंड इट स्टेड एज USSR टिल 1991 व्हेन इट ब्रोक इनटू 15 रिपब्लिक्स. ये 15 गणतंत्र में टूट गया और फिर से वापस USSR की जगह कौन सा वर्ड आ गया, रशिया, जिसके प्रीमियर है आपके अब पुतिन, जिन्होंने अगले 10-12 साल के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, ठीक है? अ वेरी स्ट्रांग प्रेसिडेंट, राइट? हेड ऑफ द स्टेट, राइट? नाउ इस दौरान में, बिटवीन 1945 एंड 1991, इवन आफ्टर दैट, बट बेसिकली अप टू 1991, यू हैड द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, राइट? नाउ USSR एंड फेल चीटेड,
व्हेन द एटम बॉम्ब्स वर थ्रोन ऑन हिरोशिमा नागासाकी, कि हमें कॉन्फिडेंस में, हम सेम टीम से युद्ध कर रहे थे और आपने हमें नहीं बताया. अमेरिका हैड इट्स ओन रीजंस. इसी बात पे द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू ब्लॉक्स, वन लेड बाय यूएसए एंड द अदर लेड बाय यूएसएसआर. पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में विभाजित हो गया एंड एवरी स्टेट वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक साइड. यूएसए ने उदारवाद को का प्रचार किया. यूएसए एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म, राइट? लिबरलिज्म मीन्स फ्री. एंड यूएसएसआर प्रोपगेटेड कम्युनिज्म एज गिवन बाय मार्क्स, मार्क्स एंड हिज फ्रेंड एंजल्स, राइट? उदारवाद में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म पोलिटिकल पार्टीज, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, मीडिया इज फ्री, पीपल आर फ्री, राइट? मार्केट्स आर ऑल्सो फ्री. अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो आप ज़्यादा कमा सकते हो. ऑन द अदर हैंड इन कॉम्युनिज्म एवरीथिंग इज अंडर स्टेट कंट्रोल. यू हैव ओनली वन पार्टी विच इज़ कंसिडर्ड द व्हीकल ऑफ सोशल चेंज, राइट? सिर्फ एक पार्टी है, कॉम्युनिस्ट पार्टी. एंड द कॉम्युनिस्ट पार्टी सेज वी आर द व्हीकल ऑफ सोशल चेंज, जो भी अच्छा होगा हम ही करेंगे. एंड एवरीथिंग इज नेशनलाइज, कोई निजी संपत्ति नहीं है. नाउ वन डिफरेंस विच यू हैव टू नो इज दैट जो यूएसए डेमोक्रेसी प्रचार, लोकतंत्र का प्रचार करती है, उसको यूएसएसआर फेक कहता है. और जो यूएसएसआर कहती है कि असली लोकतंत्र हम प्रचार करें, उसको हम वेस्टर्न डेमोक्रेट्स फेक कहते हैं. नाउ फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर आर थ्री काइंड्स ऑफ राइट्स, इकोनॉमिक, पोलिटिकल, सोशल, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक. In our kind of democracies, you are guaranteed political and social rights. आपको क्या guarantee दिया जाता है? राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, जिसमें आपका है right to vote, right to contest elections, right to form groups, right to religion, etc. Freedom of speech, criticism, right? ये आपको guarantee, ये आपके, please understand this, your social and political rights are given as a guarantee to the इन वेस्टर्न काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? वेस्टर्न डेमोक्रेसी में जो आप और हम फॉलो कर रहे हैं इंडिया में, उसमें आपके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार गारंटेड दिए जाते हैं, पर आर्थिक राइट्स नहीं दिए जाते, गारंटी नहीं किए जाते, राइट? यू डोंट गेट द राइट टू वर्क, एवरीबडी डजंट गेट द राइट टू वर्क, नोबडी, राइट? द गवर्नमेंट सेज वी आर ट्राइंग, राइट? ऑन द अदर हैंड जो आपकी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वहाँ इकोनॉमिक राइट्स आर गारंटीड, आपके आर्थिक अधिकार दिए जाते हैं और गारंटीड दिए जाते हैं. एवरीबडी इज गिवन द राइट टू वर्क, पर आपके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, बोलने का अधिकार, आलोचना करने का अधिकार, राइट टू क्रिटिसिज्म, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट गिवन, राइट? बट द कम्युनिस्ट से आर पीपल डोंट नीड पोलिटिकल एंड सोशल राइट्स, राइट? जो हमारे लोग हैं उनको आलोचना करने का अधिकार की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हम उनको रोटी, कपड़ा, मकान दे रहे हैं. वी आर गिविंग देम वर्क, वी आर गिविंग देम फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वी आर गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट. हैव यू अंडरस्टूड दिस? दे से दैट योर पीपल नीड फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म. व्हाई? बिकॉज यू डोंट गिव देम फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, क्योंकि आप अपने लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं देते. और वो कहते हैं अगर आपने लोगों को वोट का अधिकार दे भी दिया तो क्या, वो तो बेच देते हैं जिस दिन इलेक्शन का, ही डजंट यूज इट प्रॉपरली. सो इसी चीज़ में हमारी कश्मकश है. नाउ जो शीत युद्ध था उसमें कोई वॉर नहीं लड़ा गया. देर वॉज नो क्लैश ऑफ स्टेट्स. देर वॉज अ क्लैश ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा, जो मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा के बीच में लड़ाई थी. ईच वॉन्टेड दैट इट्स आइडियोलॉजी शुड स्प्रेड, राइट? सो अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, पूरा ईस्टर्न यूरोप, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, ऑल दीज कंट्रीज वर मेड कम्युनिस्ट कंट्रीज विद यूएसएसआर. और इसमें जो वॉर होता था वो प्रॉक्सी वॉर होता था. प्रॉक्सी मीन्स इन एब्सेंस. यूएसए एंड यूएसएसआर नेवर फेस्ड ईच अदर, बट दे स्टूड बिहाइंड ईरान, इराक, कॉन्गो,
ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, तो वो पीछे से वेपन सब कुछ सप्लाई करते थे, और दो कंट्रीज लड़ती थी उनके पीछे खड़े होके दे वे ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग. सो व्हाट वाज द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर उसके बड़े मेथड से, दैट वाज द टाइम व्हेन मेनी कंट्रीज वे गेटिंग देयर फ्रीडम, राइट? सो हर कंट्री को पैसा चाहिए था, तो यूएसए एंड यूएसएसआर वुड ट्राई टू ड्रैग इट टू देम सेल्व्स, प्रोमिसिंग देम मनी एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. स्पाइंग बहुत होती थी, जासूसी बहुत होती थी, मिलिट्री अलायंसेस वे साइंड. अमेरिका साइंड द नेटो, सेंटो, सिएटो. यूएसएसआर साइंड वॉरसॉ कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ट्रीटी साइन करो, वील गिव यू वेपन्स एट अ वेरी लो कॉस्ट. सो इट वॉज अ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर वे इट वॉज अ वॉर ऑफ वर्ड्स, इट वॉज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा, और बोल के एक दूसरे हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, राइट? यूएसएसआर को कहा गया इट इज़ बिहाइंड एन आयरन कर्टन बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन कम्स आउट फ्रॉम देयर. स्पाइंग बहुत हुई, जासूसी हुई, प्रॉक्सी वॉर्स हुए, आर्म्स रेस, वेपन्स इकट्ठा करना है. और जो मैंने आपको बताया था 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, दैट यूएसएसआर ट्राई टू दे प्लांटेड मिसाइल्स इन क्यूबा विच वॉज एट वेरी नियर स्ट्राइकिंग डिस्टेंस टू यूएसए. एंड कैनेडी ने फिर दूसरी शिप्स को रोका यूएसएसआर के. अमेरिका एंड यूएसएसआर वे फेसिंग ईच अदर, यूनाइटेड नेशंस ने बीच में पड़ के वॉर को ख़त्म किया. सो इट वॉज अ वॉर, कोल्ड वॉर वॉज अ वॉर इन विच नो वॉर टुक प्लेस, बट दे वे कंडीशंस फॉर वॉर एंड इट केप्ट दी वर्ल्ड ऑन दी ब्रिंक ऑफ द अनदर थर्ड वर्ल्ड वॉर. बट बोथ द ब्लॉक्स न्यू कि दैट द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड द थर्ड वर्ल्ड वॉर. वाई? बिकॉज दे हैड सीन द डिस्ट्रक्शन इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, राइट? सो यू हैड द कोल्ड वॉर जो आपका 1991 में ख़त्म हो गया. वाई? बिकॉज जो दूसरा ब्लॉक था यूएसएसआर वही ख़त्म हो गया. सो नाउ वी आर लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड. यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स देयर इज ओनली वन पावर, दैट इज अमेरिका, राइट? सो आपके शायद सिलेबस में नहीं है. कोल्ड वॉर हुआ और उसके बाद कोल्ड वॉर की जो टेंशन थी वो थोड़ी कम की गई. उसके बाद नो न्यू कोल्ड वॉर आया, राइट? बोथ द कंट्रीज दे वेंट बैक ऑन द ट्रैक ऑफ डिस्ट्रक्शन. एंड न्यू कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर में क्या फ़र्क था? कोल्ड वॉर में ऑल द अटेंशन ऑफ बोथ द सुपर पावर्स वॉज यूरोप. न्यू कोल्ड वॉर में द अटेंशन डेविएटेड फ्रॉम फोकस चेंज फ्रॉम यूरोप टू एशिया. सो फॉर इंडियंस और फॉर पीपल लिविंग इन एशिया, न्यू कोल्ड वॉर वॉज ऑल द मोर डेंजरस. वाई? बिकॉज दी फोकस ऑफ बोथ दी सुपर पावर्स वॉज एशिया इन विच वी ऑफकोर्स कम, राइट? सो पोस्ट कोल्ड वॉर इशूज़ में आपने एक ही चीज़ देखना है कि नाउ अमेरिका इज ऑल इन ऑल. पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध के बाद वर्ल्ड कैसा हो गया है? वर्ल्ड वेरी सिंपली हो गया, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, और एक ही कंट्री है जो उसको चैलेंज कर सकती है, दैट इज़ चाइना. एंड चाइना को कुशन करने के लिए, रोकने के लिए अमेरिका नीड्स इंडिया. सो दैट इज़ वाई चाइना हेट्स इंडिया. एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरमिंगलिंग, इंटरलिंकिंग ऑफ सो मेनी कंट्रीज. सो पोस्ट कोल्ड वॉर में वी देर आर न्यू इश्यूज. यूएसएसआर तो ख़त्म हो गया है, बट देर आर न्यू प्रॉब्लम्स लाइक टेररिज्म, इन्वायरमेंट, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. कि पोस्ट कोल्ड वॉर में वो क्लैश तो ख़त्म हो गया सुपर पावर्स का, पर हमारे पास और बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे मानव अधिकारों की उल्लंघना, देन इन्वायरमेंट, वातावरण की समस्या, टेररिज्म, आतंकवाद. सो द वर्ल्ड गोज फ्रॉम वन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स टू अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी हैव टू सॉल्व थ्रू इंटेंस स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. सो टुमारो आई विल डू दी वेरियस अप्रोचेस, न्यू रेडिकल, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. इन पे मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगी. दे आर वेरी कन्फ्यूजिंग, दे आर वेरी टफ. आई होप आई विल बी एबल टू मेक इट बेटर फॉर यू टुमारो, ईजियर फॉर इट टुमारो. सो अगर आप ये तीनों आज पढ़ लेंगे, तो लिबरल थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर मी टू डिस्कस पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, विच आई एग्री आर टफ. I'll make it easier for you. I'll try my best to make it easier for you. Till tomorrow, stay safe. Lockdown is over, but
step out of your home minimum and study at home. And if you're working, well, work at social distancing. Thank you so much. I'll see you tomorrow at 1 p.m. again.